क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एक जो अभी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज के रूप में जो एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि डेंटल सर्जन का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। लगभग ऑब्जेक्शन क्लियर ले लिए गए हैं, उसके बाद वो एम आर शीट जाँचने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो आगामी जो वीक सप्ताह चलेगा उस सप्ताह में इसके रिजल्ट के यानी 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में इस रिजल्ट के आने की संभावनाएं बनती जा रही है, क्योंकि एचपीएससी के लिए 2021 की रिक्रूटमेंट थी दो जो काफ़ी विवादित रही थी, तो वो इस पे अपने एक्शन ले रही हैं। दूसरा, एचपीएससी ने ओएमआर शीट में कोई चेंजेज नहीं किए, वही जो हम कह रहे थे ना ए बी सी डी ई, ताकि पहले ही गोला भर दो भाई आपने कौन सा सवाल नहीं अटेम्प्ट किया है, तो वो वाला, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। मैं ये आपको गाइडलाइन दिखाता हूँ। ये एग्ज़ाम 1/2022 थी। रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन शेड्यूल टू बी हेल्ड, पहले जो 19/6 को, बाद में ये 26 को कर दिया गया था एक सप्ताह बाद, 10 से लेके 1 यानी 3 अवर्स का ये पेपर था। तो इसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, मुझे इसकी थोड़ी साफ पिक्चर नहीं मिल सकी, जिस स्टूडेंट से मैंने ली है उन उसके कैमरे की क्वालिटी या उसको पिक्चर लेने में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसमें अगर हम बात करें कि जो जो प्रावधान है वो जनरली वही रखे गए हैं। अभी कितने घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री है, कितने घंटे में आपको परीक्षा केंद्र छोड़ सकते हो, क्या क्या आप लेके आ सकते हो, क्या क्या नहीं लेके आ सकते, तो यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि ये HCS में भी यानी HCS 2021 में भी ये AGT सेम ही रहेगी। तो आप इन गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लें। ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। और एक खास बात ध्यान रखिए, इन केस ऑफ कॉपिंग बोथ द कैंडिडेट, द वन हु इज कॉपिंग, द अदर हु इज अलाउड टू कॉपी, दोनों को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अदर पनिशमेंट गिवन बाय कमीशन मे डीम्ड इट। तो ये गाइडलाइन 2 पेजों की आई है, लेकिन ऐसा कोई इसमें बात नहीं है कि जो HPSC जो कह रही थी कि हम जो सुधार ला रहे हैं बड़े स्तर पर, जो हम सुधारों की बात कर रहे थे जिससे भर्ती प्रक्रिया और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, ऐसा कोई भी बदलाव, ऐतिहासिक बदलाव नहीं किया गया। या तो ये न्यू नोटिफिकेशन के साथ वो रिक्रूटमेंट में बदलाव करेंगे तो करेंगे, लेकिन इन जो पहले से अनाउंस्ड वैकेंसी है उनके अंदर ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया। ये पेपर हैं दोनों जो टेलीग्राम चैनल पे आपके डाल दिए गए हैं। जो डेंटल सर्जन का पेपर होता है इसमें 200 सवाल आते हैं, 200 सवाल को 3 घंटे मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 200 सवालों की आंसर की है, 200 सवालों को 3 आवर्स मीन्स हम बात करें 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने थे, जो कि HPSC से एक डिफरेंट पैटर्न है, वहाँ थोड़ा अलग आता है। रिजल्ट की बात करें तो जो पिछला रिजल्ट अनाउंस किया था उन्होंने, वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी को कॉल किया जाता है। तो उस संदर्भ में अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाने की संभावना है, तो ये 54-260 ये इस जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है, जितने बच्चों से बात हुई है, जितने एस्पिरेंट से बात हुई है। गाइडलाइन फॉर HPSC एग्ज़ाम, यहाँ तो कोई स्पेशल गाइडलाइन आई नहीं थी, लेकिन HPSC का मुझे लगता है कि HCS एग्ज़ाम के लिए थोड़ी इससे वास्ट है वो गाइडलाइन आएगी, थोड़े बड़े स्तर पे आएगी, क्योंकि वो उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उसका कवरिंग एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्र से लोग अपीयर होते हैं इसमें, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड के लोग अपीयर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग रहेगा। फिर भी जैसे ही कोई गाइडलाइन आएगी हम आपसे शेयर करेंगे, जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। HCS की तैयारी करने वाले हैं 24 जुलाई के लिए अपनी कमर कस लें। 24 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसकी गाइडलाइन कमोबेश सेम ही रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कोई गुंजाइश होगी तो हम आपको बता देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।